हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर वन रिवाइज करने जा रहे हैं बेटा ये चैप्टर आप ऑलरेडी कर चुके हैं बट इसकी रिवीजन हम करेंगे चैप्टर नंबर वन सेट्स नाउ व्हाट इज अ सेट सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नाउ व्हाट डू वी मीन बाय वेल डिफाइंड इसका ये मतलब होता है बेटा कि ऐसी कलेक्शन जिसका आंसर सभी स्टूडेंट्स का सेम आना चाहिए मीन्स इट शुड बी वेल डिफाइंड केस अगर आंसर सभी स्टूडेंट्स का डिफर कर रहा है दैट मीन्स इट इज नॉट वेल डिफाइंड सो उस कलेक्शन को हम सेट नहीं कहते हैं ओके नाउ लेट अस सी समथिंग अबाउट सेट द फॉलोइंग पॉइंट्स मे बी नोटेड द फर्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स एंड मेम्बर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनियम टर्म्स दैट मीन्स कि इनका मतलब सेम माना जाता है हम ऑब्जेक्ट बोले एलिमेंट बोले या मेंबर बोले सेट का देन सेकेंड सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल कोई भी लेटर आप यूज कर सकते हैं ए बी सी डी एनी लेटर थर्ड पॉइंट द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा और पूरे सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं नाउ देर इज अ लिस्ट ऑफ सम स्टैंडर्ड सेट जो हम यूज करते हैं मैथ्स में सो द फर्स्ट वन इज कैपिटल एन विच इज़ द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स देन कैपिटल जेड दैट इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स देन कैपिटल क्यू सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड कैपिटल आर दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स और इसी में अगर जेड प्लस लिखा है बेटा देन इट इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अगर Q के ऊपर प्लस लिखा है सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स और अगर R के ऊपर पॉजिटिव लिखा है इट इज सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स सो ये कुछ जनरल नोटेशंस हैं जो हम जनरली यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट सम स्टैंडर्ड सेट्स नाउ देर आर टू मैथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट हम दो तरीके से सेट से को लिख सकते हैं बेटा फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं एंड द सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म जिसको हम रूल मेथड भी बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला मैथड देखते हैं दैट इज रोस्टर फॉर्म सो इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड एंड द एलिमेंट्स आर बींग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज विद इन ब्रेसिस दैट इज कर्ली ब्राकेट दैट मीन्स रोस्टर फॉर्म में हमें सभी एलिमेंट्स को लिखना होता है सेपरेटेड बाय कॉमा एंड विद इन कर्ली ब्राकेट्स फॉर एग्जाम्पल हम कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं बेटा द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स फोर्टी टू अगर हमें नेचुरल नंबर देखने हैं विच डिवाइड फोर्टी टू तो हमें फोर्टी टू के फैक्टर्स लिखने होंगे बेटा सो दैट इज वन टू थ्री सिक्स सेवन फोर्टीन ट्वेंटी वन एंड फोर्टी टू नाउ बी इज द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट सो इट इज ए आई ओ एंड यू एंड सिमिलरली द सेट ऑफ ऑल नैचुरल नंबर्स इज रिप्रजेंटेड बाई थ्री फाइव एंड डॉट 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 द डॉट्स टेल अस दैट द लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स कंटिन्यूज कंटिन्यू इनडेफिनेटली दैट मीन्स इट इज एन इन्फानाइट सेट इन्फानाइट कलेक्शन है ये तो इसलिए आगे हम डॉट 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 लगा देते हैं तो इन सभी में आपने देखा हमने एलिमेंट्स को लिस्ट किया सेपरेटेड बाय कॉमा विद इन कर्ली ब्रैकेट्स सो दिस फॉर्म इज नोन एज रोस्टर फॉर्म नाउ देर इज अ नोट विच सेज दैट रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर लिस्टेड इज इन मटीरियल मीन हम ऑर्डर आगे पीछे भी कर सकते हैं लेकिन एलिमेंट सेम रहने चाहिए ओके एंड द सेकेंड नोट इज दैट की अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो आप रोस्टर फॉर्म में डिस्टिंट एलिमेंट लिखेंगे रिपीटेड एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा ये देखिए इट मे बी नोतेड दैट वाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म द एलिमेंट्स इज नॉट जर्नली रिपीटेड इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया है हमने देखिए ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल स्कूल में आप देख रहे हैं ओ दो बार आ रहा है लेकिन जब हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम ओ को एक ही बार लिखेंगे बेटा एक ही बार लिखेंगे सो so, इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे दैट ऑर्डर डज नॉट मैटर और एलिमेंट सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए रेपिटिशन इज नॉट अलाउड अब हम सेकेंड फॉर्म पे आते हैं बेटा सेकेंड फॉर्म दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म सो इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट प्रोसेज अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज नॉट प्रोसेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट आई रिपीट सेट बिल्डर फॉर्म को हम रूल मैथड भी बोलते हैं इसका नाम रूल मैथड इसलिए पड़ा बेटा क्योंकि ये एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो करेगा तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन में लिखा गया है कि देर शुड बी अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ए ई आई ओ यू तो ये सारे वॉवल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के और इनके अलावा कोई वॉवल और नहीं होता है तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं बाय वी दैट इज एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इसमें आप देखेंगे सिंबल कॉलन यूज हुआ है कॉलन को हम रीड करते हैं बेटा सच दैट सच दैट और हम सभी एलिमेंट्स को एक्स मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं बेटा एग्जाम्पल वन राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म देखिए सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा तो उसके लिए मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ कर रहा हूँ सो so, हम मिडिल टर्म को प्लस टू एक्स माइनस एक्स की फॉर्म में लिखेंगे जिससे हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे बेटा एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस टू सो एक्स की दो वैल्यूज आ गई दैट इज वन एंड माइनस टू सो देअर फोर इसका जो सॉल्यूशन होगा जिसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं इट कम्प्राइजेज ऑफ टू एलिमेंट्स माइनस टू एंड वन किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं ऑर्डर डज नॉट मैटर नाउ सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल में अगेन आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है और इसे आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है एंड द क्वेश्चन इज एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन फोर्टी ध्यान दीजिएगा हमें ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं जिनका स्क्वायर फोर्टी से छोटा होना चाहिए तो पॉजिटिव इंटीजर वन से स्टार्ट होते हैं तो हम इसमें हिट एंड ट्रायल मैथड लगाएंगे बेटा हिट एंड ट्रायल मैथड तो हम इसमें सबसे पहले वन पुट करके देखेंगे वन का स्क्वायर फोर्टी से छोटा होता है सिमिलरली टू का स्क्वायर फोर्टी से छोटा होता है थ्री का स्क्वायर फोर का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर एंड सिक्स का स्क्वायर अब सिक्स के बाद अगर हम सेवन लेते हैं तो सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन होता है जो फोर्टी से बड़ा होता है बेटा सो so, आपने देखा इस क्वेश्चन में मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया मैंने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स चेक करे और जिनका स्क्वायर फोर्टी से छोटा है हमने उसको अपने सोल्यूशन में लिखा दैट इज रोस्टर फॉर्म में लिख दिया नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज आपको रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेटा अब उसके लिए आपको बहुत ध्यान से जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका पैटर्न ऑब्जर्व करना होगा आई रिपीट उनका पैटर्न ऑब्जर्व करना होगा तो अगर आप ऑब्जर्व करें वन को आप वन का स्क्वायर बोल सकते हैं फोर को आप टू का स्क्वायर बोल सकते हैं नाइन को आप थ्री का स्क्वायर, सिक्सटीन इज फोर स्क्वायर ट्वेंटी फाइव इज फाइव स्क्वायर एंड सो ऑन इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी सो इसको अब हम सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखेंगे बेटा तो प्लीज ध्यान से देखिए एक्स सच दैट

तो अगर आप इसके पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं बेटा प्लीज़ देखिए तो ऊपर वन है नीचे टू जो कि वन से एक ज़्यादा होता है जब ऊपर टू है तो नीचे थ्री है वो टू से एक ज़्यादा होता है जब ऊपर थ्री है नीचे फोर है दैट इज़ वन मोर देन थ्री देन फोर के नीचे फाइव है अगेन फोर प्लस वन दैन फाइव के नीचे फाइव प्लस वन एंड सिक्स के नीचे सिक्स प्लस वन सो आपने नोटिस किया कि हम इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं बेटा x सच दैट x इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन वेयर एन इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एन शुड बी लेस देन और इक्वल टू सिक्स दोबारा से सुनिए हमने इसके पैटर्न को ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक कम है और न्यूमरेटर में सारे नेचुरल नंबर्स हैं टिल सिक्स तो हमने एक्स को लिखा बेटा एक्स इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन वेयर एन इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एन इज लेस देन और इक्वल टू सिक्स तो ये हमने कुछ क्वेश्चन किए बेटा रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म के नाव एग्जाम्पल फाइव में आपको मैच द फॉलोइंग करना है चार पार्ट्स हैं और चारों पार्ट्स के आंसर सामने लिखे हुए हैं तो रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म को हमें मैच करना है तो फर्स्ट पार्ट अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो ये हमारे लेटर्स हैं प्रिंसिपल वर्ड के तो ये डी के साथ मैच करेगा बेटा देन सेकेंड पार्ट इज़ ओनली ज़ीरो तो अगर आप ध्यान से देखें तो C पार्ट में एक लीनियर इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन सिर्फ जीरो आएगा तो सेकेंड इज लिंक्ड विथ C देन थर्ड पार्ट को अगर आप ध्यान से नोटिस करें जिसमें वन टू थ्री सिक्स नाइन एट तो ये A पार्ट A पार्ट का सेट बिल्डर फॉर्म पढ़िए उसमें लिखा है डिवाइजर ऑफ एटीन तो ये सारे डिवाइजर ऑफ एटीन है तो थर्ड पार्ट विल बी लिंक्ड विद ए एंड ऑब्वियसली फोर्थ पार्ट जो रिमेनिंग बचा थ्री एंड माइनस थ्री वो बी के साथ लिंक करेगा क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका आंसर प्लस माइनस थ्री आ रहा है सो दिस इज लिंक्ड विथ बी सो बहुत ही आसान क्वेश्चन था हमने मैच करा सारे पार्ट्स को सो so, ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी हमारी नाउ सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ सेट्स नाउ टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहला है एम्प्टी सेट एज द नेम सेम टी मीन खाली सो अट विच नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज सेट और तीन नाम होते हैं इसके बेटा इसके कुछ examples हमने पे किए हैं बेटा. फर्स्ट एग्जाम्पल रीड करिए x सच दैट x लाइज बिटवीन वन एंड टू वन और टू के बीच में होना चाहिए एंड x इज नेचुरल नंबर सो कोई भी नेचुरल नंबर वन और टू के बीच में लाइन नहीं करता है तो हेंस इट इज एन एम सेट सिमिलरली सेकेंड में आप देखेंगे एक्स सच दैट एक्सक्वाइनस टू इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज अ रैशनल नंबर तो देखिए एक्स स्क् माइनस टू इक्वल टू जीरो को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके एक्स के आंसर आएंगे प्लस माइनस अंडर रूट टू और प्लस माइनस अंडर रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर इट इज एन इेशनल नंबर तो हेंस इट इज एम सेट देन थर्ड एग्जाम्पल है एक्स सच दैट एक्स इज एन ईवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है और वह भी टू होता है तो हमें ईवन प्राइम नंबर अगर ग्रेटर दैन टू चाहिए तो वो कोई भी नहीं होगा तो दिट इज एम टी सेट एंडोर्थ पार्ट सेक्स इज ऑड तो आप नोटिस करेंगे एक्सक्र इक्वल टू फोर के दो आंसर आएंगे बट दोनों के दोनों ईवन है प्लस माइनस टू सो हेंस इट इज एन एम टी सेट सो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स कोट किए बेटा एम टी सेट के नाउ नेक्स्ट टाइप जो है दैट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट ध्यान से देखिए अ सेट विच इज एम टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट मीन्स अगर सेट खाली है मतलब जीरो एलिमेंट या उसमें कुछ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं तो वो फाइनाइट सेट है अदरवाइज इट इज इनफाइनाइट अगेन इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए फर्स्ट पार्ट है W. इट इज द सेट ऑफ

कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म सारे इंफानाइट सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन दिस फॉर्म बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट डज नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न इनके कहने का क्या मतलब है प्लीज सुनिए देखिए नेचुरल नंबर्स जो हैं वो वन से स्टार्ट होते हैं और वन वन का गैप होता है उनका तो उनको नेचुरल नंबर्स जो कि इंफानाइट सेट है आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं इसी तरह इन टीचर्स को भी आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि उनके भी बीच में फिक्सड पैटर्न होता है बेटा कि वन वन का गैप होता है और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड एक्सटेंड होता है लेकिन रियल नंबर्स को आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते रियल नंबर एक ऐसा एग्जाम्पल है इन्फानाइट सेट का विच कैन नॉट बी रिटर्न इन रोस्टर फॉर्म और इसी चैप्टर में लेटर ऑन हम देखेंगे कि रियल नंबर्स को लिखने का एक पर्टिकुलर ढंग होता है बेटा दैट इज नोन एज इंटरवल्स वो हम इसी वीडियो में लेटर ऑन पढ़ेंगे नाउ नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इक्वल सेट्स इक्वल सेट एज द नेम सेज टू सेट आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट दैम ए इक्वल टू वी इक्वल टू बी अदरवाइज द सेट आर सेट टू बी अन एकवल एंड वी राइट दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी ओके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में ए सेट हमने लिखा बेटा वन टू थ्री फोर और बी सेट है थ्री वन फोर टू आप नोटिस करेंगे दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स हैं बस ऑर्डर चेंज कर दिया गया एंड ऑर्डर हार्डली मैटर्स इन रोस्टर फॉर्म हैंस ए इज इक्वल टू बी और सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखेंगे ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन सिक्स देखिए प्राइम नंबर्स लेस देन सिक्स होते हैं बेटा टू थ्री और फाइव एंड पी इज द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ थर्टी अब देखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ थर्टी भी अगर आप देखें तो टू थ्री और फाइव ही होते हैं तो इसलिए दोनों में सेम है हैंड्स दे आर ऑल्सो इक्वल सेट्स दे आर सेट इक्वल सेट्स ओके नाउ इसका एक नोट पढ़िए अ सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिपीटेड ये देखिए हमने एक एग्जाम्पल अभी पीछे पढ़ा था कि सपोज आपके पास सेट में अगर टू दो बार लिखा है थ्री दो बार लिखा है तो दैट इज मीनिंगलेस मतलब इसका यही है कि दिस इज वन टू थ्री टू को एक ही बार काउंट किया जाएगा थ्री को एक ही बार काउंट किया जाएगा तो हैंस ये जो दो सेट यहां पे लिखे गए हैं ए सेट और बी सेट दे आर इक्वल सेट्स दे आर इक्वल सेट्स क्योंकि रिपीटेड एलिमेंट्स काउंट नहीं किए जाते तो ये दोनों सेट इक्वल सेट माने जाएंगे सो so, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं बेटा एग्जाम्पल सिक्स में हमें स्टेट करना है वेदर द गिवन सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट ओके तो फर्स्ट पार्ट रीड करते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें एक्स के दो आंसर्स आएंगे वन और टू सो दैट मीन्स ये काउंटेबल है सो इट इज अ फाइनाइट सेट इट इज अ फाइनाइट सेट सेकेंड पार्ट देखते हैं बेटा एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर तो अगेन एक्स के दो आंसर्स आएंगे बेटा माइनस टू एंड प्लस टू और अगर ये नेचुरल नंबर है सो दैट मीन्स इसमें जो आंसर होगा दैट विल बी ओनली टू जैसे पिछले वाले में दोनों के दोनों नेचुरल नंबर्स थे तो इसमें एक ही होगा बेटा नेचुरल नंबर दैट इज टू अगेन इट इज फाइनाइट सेट फाइनाइट सेट नाउ थर्ड पार्ट में दे से एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड देर इज अ लीनियर इक्वेशन सो एक्स इज इक्वल टू हाफ और हाफ नेचुरल नंबर नहीं होता है बेटा तो इसका जो आंसर है दैट इज एन एम्प्टी सेट एम टी सेट भी फाइनाइट माना जाता है अभी हमने ऊपर पढ़ा था बेटा एम सेट भी फाइनाइट माना जाता है नाउ नेक्स्ट इज एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज प्राइम नाउ एज वी ऑल नो दैट प्राइम नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं प्राइम नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं क्योंकि ये स्टार्ट होंगे टू से सो टू थ्री फाइव सेवन एंड सो ऑन डॉट 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 सो येस इट इज एन इनफाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट एंड लास्ट पार्ट इज एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ऑड सो फिफ्थ पार्ट में आप नोटिस करेंगे कि ऑड नेचुरल नंबर्स अगेन जो हैं दे आर इनफाइनाइट सो इस क्वेश्चन में फर्स्ट थ्री पार्ट्स हमारे फाइनाइट थे एंड लास्ट टू पार्ट दे आर इनफाइनाइट नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बेटा एग्जाम्पल सेवन इज फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिव रीजन्स सो यहां पर ए सेट इन्होंने रोस्टर फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है बेटा जीरो बी सेट इन्होंने रोस्टर फॉर्म में डिफाइन नहीं किया बट हम कर देते हैं एक्स सच देट एक्स इज ग्रेटर देन फिफ्टीन एंड एक्स इज लेस दैन फाइव इन्होंने हमें बताया है कि जो एक्स है वो फाइव से छोटा है और फिफ्टीन से बड़ा है फाइव से छोटा है एंड फिफ्टीन से बड़ा है सो दैट मीन्स दैट मीन्स इसको अगर आप नंबर लाइन पे देखें तो 15 की राइट right साइड और 5 की लेफ्ट साइड ओके नाउ सी पार्ट हमें जो गिवन है उसमें लीनियर इक्वेशन थी तो x इक्वल टू फाइव आएगा देन डी पार्ट एक्स स्क्वेयर अगर 25 है तो x इक्वल टू माइनस फाइव और प्लस फाइव आ सकता है देन ई पार्ट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ध्यान दीजिएगा इंटीजर होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए ऑफ द इक्वेशन अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं बेटा तो इसके दो फैक्टर्स बनेंगे x माइनस फाइव एंड x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो जिससे x की दो वैल्यूज आएंगी प्लस फाइव एंड माइनस थ्री बट मुझे सिर्फ पॉजिटिव लेना था बेटा सो यहाँ पे सिर्फ फाइव माना जाएगा अब अगर आप नोटिस करें हमें इक्वल देखना था इक्वल तो सिर्फ C और E दे आर इक्वल C और E दे आर इक्वल क्योंकि A सेट में एक एलिमेंट है ज़ीरो B सेट तो हमारा फाइव है बेटा फाइव क्योंकि बीच में एंड लगा हुआ था तो ऐसा नंबर जो फाइव से छोटा एंड फिफ्टीन से बड़ा नहीं हो सकता C सेट में सिर्फ फाइव था D सेट में माइनस फाइव और प्लस फाइव दोनों हैं और E में सिर्फ फाइव है सो दैट मीन्स फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कम टू नो दैट सी इज इक्वल टू ई सी और ई e बराबर है बेटा नाउ एट्थ एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल एट में विच ऑफ द फॉलोविंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल और हमें जस्टिफाई भी करना है तो फर्स्ट पार्ट में आपको एक्स सेट दिया हुआ है ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड एलॉय तो एलॉय में ए आता है एल एक ही बार काउंट होगा बेटा ओ और वाई और अगर आप बी सेट देखें दैट इज लेटर्स ऑफ वर्ड लॉयल तो इसमें एल एक ही बार काउंट होगा ओ वाई एंड ए सो आप नोटिस करेंगे कि एक्स और बी दोनों इक्वल सेट हैं क्योंकि दोनों में चार एलिमेंट्स हैं और चारों सेम हैं बिकॉज ऑर्डर डज नॉट मैटर और सेकेंड पार्ट में ए सेट आपको दिया गया है इंटीजर्स ऐसे इंटीजर्स जिनका स्क्वेयर फोर से छोटा या फोर के बराबर ऐसे इंटीजर्स जिनका स्क्वेयर फोर से छोटा या फोर के बराबर तो माइनस टू माइनस वन जीरो वन और टू आएगा ये सभी नंबर्स का स्क्वायर या तो फोर से छोटा होता है या फोर के बराबर और बी सेट में रियल नंबर्स हैं बेटा और रियल नंबर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास दो ही आंसर्स आएंगे इसके वन और टू सो एज यू कैन सी ए इज नॉट इक्वल टू बी ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है क्योंकि ए में पाँच एलिमेंट्स हैं और बी में सिर्फ दो नाउ थर्ड एक्सरसाइज यहां तक हमने सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट करी है बेटा थर्ड एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे अबाउट सबसेट सबसेट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ध्यान से सुनिएगा सबसेट की डेफिनेशन क्या कहती है अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी इनके कहने का क्या मतलब है कि ए को हम सबसेट तभी बोलेंगे बी का इफ ए बिलोंग्स टू स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट एलिमेंट ऑल्सो बिलोंग्स टू बी तो ए बी का सबसेट माना जाएगा बेटा सो वी रीड वी रीड द अबव स्टेटमेंट एज ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए इम्प्लाइज दैट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी एंड वी राइट दिस एज दिस सिंबल ये इलांगेटेड सी हम यूज करते हैं बेटा एंड इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी तो हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं बीच में लाइन सबसेट के सिंबल के बीच में लाइन ओके okay? ना देर इज अ रूल विच सेट एवरी सेट एज अ सबसेट ऑफ इट्स दैट मीन्स ए हमेशा ए का सबसेट माना जाएगा बेटा क्योंकि ए और ए दोनों आपस में बराबर हैं तो ए के सभी एलिमेंट्स ए में एग्जिस्ट करेंगे एंड सिंस एम टी सेट फाइ हैज नो एलिमेंट सो फाइ इज अबसेट ऑफ एवरी सेट मैं दोबारा से बोल रहा हूं यहां पर हम दो रूल लर्न करने जा रहे हैं दो रूल पहला रूल ये कहता है कि एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इट और दूसरा रूल ये कहता है कि फाइ इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट फाइ के लिए हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज इट इज एन एम सेट सो फाइ इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट ओके अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं बेटा कुछ एग्जाम्पल्स फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देखेंगे द सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ सेट आर ऑफ रियल नंबर्स मीन्स रैशनल नंबर्स जो हैं वो पार्ट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर बट रिवर्स इज नॉट ट्रू सो क्यू इज़ अ सबसेट ऑफ आर सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल में इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ फिफ्टी सिक्स ए अगर डिवाइजर्स ऑफ फिफ्टी सिक्स है एंड बी इज़ द सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर्स ऑफ फिफ्टी सिक्स तो B जो है वो A का सबसेट होगा आई रिपीट इसमें A था सेट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ फिफ्टी ऑल काइंड ऑफ डिवाइजर्स बट बी था ओनली द प्राइम डिवाइजर्स ऑफ फिफ्टी सिक्स सो बी विल बी सबसेट ऑफ ए देन थर्ड पार्ट ए सेट आपको वन थ्री फाइव दिया हुआ है और बी है ऑड नैचुरल नंबर लेस देन सिक्स तो ऑड नैचुरल नंबर लेस देन सिक्स वन थ्री फाइव ही होते हैं बेटा तो इसलिए यहां पर ए बी का सबसेट होगा एंड एट द सेम टाइम बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए हेंस दे कैन बी सेट एज इक्वल और ये रूल होता है बेटा ये रूल होता है कि अगर ए बी का सबसेट है एंड एट द सेम टाइम बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए दिस इंप्लाइज दैट दे आर इक्वल वो इक्वल सेट माने जाते हैं एंड फोर्थ एग्जाम्पल आपको ए सेट दिया हुआ e, है ए ई आई ओ यू दैट इज वॉवल्स और बी है ए बी सी डी देन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए आप देख सकते हैं ए के सभी एलिमेंट्स बी में नहीं हैं और बी के भी सभी एलिमेंट्स ए में नहीं हैं तो लास्ट एग्जाम्पल में ए और बी एक दूसरे के सबसेट नहीं है नीदर ऑफ देम नाउ देर इज एन टर्म विच इज नोन एज प्रॉपर सबसेट विच इज नोन एज प्रॉपर सबसेट नाउ वॉट डू वी मीन बाय प्रॉपर सबसेट लेट ए एंड बी आर टू सेट एंड इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी ए बी का सबसेट है लेकिन उसके बराबर नहीं है देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए आई रिपीट अगर ए बी का सबसेट है लेकिन ए बी के बराबर नहीं है तो मैं वन डाइग्राम से समझाता हूँ बेटा वेन डायग्राम से प्लीज़ देखिए इसका ये मतलब हुआ कि जो बी है वो बड़ा होगा और ए उसके अंदर कंटेंड है लेकिन उससे छोटा है सो ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए ये दो टर्मिनोलॉजी यूज होती है बेटा इसके लिए ओके ये देखिए एग्जाम्पल दिया यहाँ पे अगर ए सेट है वन टू थ्री और बी सेट है वन टू थ्री फोर तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं है लेकिन उसका सबसेट है इफ सेट ए हैज़ ओनली वन एलिमेंट ये ध्यान से सुनिएगा प्लीज़ इफ सेट ए हैज़ ओनली वन एलिमेंट देन इट इज़ नोन एज सिंगलेटन सेट उसको सिंगलेटन सेट बोलते हैं बेटा तो सिंगलेटन सेट याद रखिएगा ऐसा सेट होता है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है बेटा सिर्फ एक ही एलिमेंट एग्जाम्पल नाइन देखते हैं बेटा इसमें आपको सेट गिवन है ऊपर फाइ देन ए सेट बी सेट एंड सी सेट और आपको इंसर्ट करना है सिंबल इज अ सबसेट और इज नॉट अ सबसेट सो फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे फाइ और जो बी सेट है बी बी में कोई भी एलिमेंट्स हो लेकिन हमने अभी भी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि फाइ इज सबसेट ऑफ एवरी सेट तो यस yes, फर्स्ट पार्ट में फिलअप होगा इज अ सबसेट देन सेकेंड पार्ट में ए और बी को अगर आप कंपेयर करें तो ए सेट में वन और थ्री है जबकि बी में वन तो है बट थ्री नहीं है सो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी देन थर्ड पार्ट में अगर आप ए और सी को कंपेयर करें बेटा ए और सी तो ए सेट में वन और थ्री एलिमेंट है जो कि सी सेट में प्रेजेंट है तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी एंड फोर्थ पार्ट में अगर आप बी और सी को कंपेयर करते हैं बेटा तो बी सेट में तीन एलिमेंट्स हैं बेटा वन फाइव नाइन जो कि सी सेट में भी प्रेजेंट है सो बी इज अ सबसेट ऑफ सी ऑल्सो सो इस तरह से हमें चेक करना होता है कि सबसेट है या नहीं है नाउ एग्जाम्पल टेन पढ़िए लेट ए बी दब इज अ सेट ऑफ ए आई ए यू एंड बी इज ए बी सी डी तो वो पूछ रहा है इज ए सबसेट ऑफ बी तो हम लिखेंगे ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी अब वो हमसे रीजन मांग रहा है. तो रीजन बहुत सिंपल है कि आप देखेंगे कि ए सेट में ई e बिलोंग कर रहा है बट ई e जो है वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये इसका रीजन हो गया देन उन्होंने पूछा क्या बी ए का सबसेट है सो बी इज ऑल्सो नॉट अ सबसेट ऑफ ए अगेन रीजन मांग रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे स्मॉल बी जो है वो पार्ट ऑफ बी है बट स्मॉल बी इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए तो इट इज नॉट अ सबसेट ओके इस तरह से हम रीजन दे सकते हैं देन एग्जाम्पल इलेवन एग्जाम्पल इलेवन में आप नोटिस करेंगे उन्होंने बोला है है लेट ए ए ए बी 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 सी थ्री सेट सच दैट बिलोंग्स टू जो वो बी को बिलोंग कर रहा है बेटा याद रखेगा एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी बी इज अ सबसेट ऑफ सी अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि इज इट ट्रू दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी क्या इस कंडीशन के हिसाब से ए सबसेट सी का माना जाएगा इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल अगर ऐसा नहीं है तो हमें एग्जाम्पल कोट करना है तो देखिए हम एग्जाम्पल पहले डायरेक्टली लेते हैं अगर हम ए सेट को मान लेते हैं वन यस yes, और बी सेट को हमने मान लिया वन विद इन कर्ली ब्रैकेट एंड टू सो देअर फोर आप नोटिस करेंगे जो ए है वो बी में बिलोंग हो रहा है उसके बाद उन्होंने कंडीशन दी थी हमें कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी तो सी सेट हमने ले लिया बेटा वन टू एंड थ्री सो देर फोर बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी अब हमें चेक करना है कि क्या ए सी का सबसेट होगा तो आप नोटिस करेंगे ए सी का सबसेट नहीं है बेटा लेकिन वो उसको बिलोंग करता है सो हेंस ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी बट ए बिलोंग्स टू सी तो ये हमने वेरीफाई भी कर दिया बाय टेकिंग एन एग्जांपल हमने इसको वेरीफाई किया बेटा बाय टेकिंग एन एग्जांपल नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मैं अभी आपसे बात कर रहा था रियल नंबर्स के बारे में सो सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स जिसको हम इंटरवल्स कहते हैं बेटा दो तरह के इंटरवल्स होते हैं एक होता है ओपन इंटरवल और एक क्लोज इंटरवल पहले हम ओपन इंटरवल देखते हैं सो ओपन इंटरवल में वो कह रहे हैं, लेट बिलोंग्स एंड बी इज नोन एज ओपन इंटरवल और इसको हम राउंड ब्रैकेट से डिनोट करते हैं बेटा राउंड ब्रैकेट से ओके राउंड ब्रैकेट से डिनोट करते हैं इसका मतलब अगर आपके पास x सच दैट x इज अ रियल नंबर और x लाइज बिटवीन सपोज वन एंड फोर लिखा है तो आप इसे वन कॉमा फोर राउंड ब्रैकेट लिख सकते हैं दिस इज नोन एज ओपन इंटरवल इसी तरह क्लोज इंटरवल में आपको जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनको इंक्लूड करना होता है बेटा कॉर्नर पॉइंट्स को इंक्लूड करना होता है और इसे हम स्क्र ब्रैकेट से डिनोट करते हैं मीन्स अगर आपके पास है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ रियल नंबर एंड वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू फोर वन और फोर को इंक्लूड करना है आपने तो बेटा वन कॉमा फोर आएगा स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर स्क्वेयर ब्रैकेट और कुछ होते हैं बेटा सेमी ओपन सेमी ओपन सेमी क्लोज जैसे कि अगर ए की तरफ स्क्वेयर ब्रैकेट है और बी की तरफ राउंड तो ए विल बी इंक्लूडेड बट बी विल नॉट बी इंक्लूडेड और अगर ए की तरफ राउंड ब्रैकेट है और बी इज स्क्वेयर तो ए इज नॉट इंक्लूडेड बट बी इज इंक्लूडेड ये नीचे आप देखेंगे चार डायग्राम्स हैं इसमें सबसे पहला डायग्राम है जिसमें ए और बी को हम इंक्लूड नहीं कर रहे दिस इज ओपन इंटरवल ए बी सेकेंड डायग्राम में आप देखेंगे ए और बी हमारा फील्ड है फील्ड है ब्लैक कलर से तो ये क्लोज इंटरवल है ए बी इज इंक्लूडेड नाउ थर्ड में ए इज इंक्लूडेड बट बी इज नॉट इंक्लूडेड और फोर्थ में ए इज नॉट इंक्लूडेड बट बी इज इंक्लूडेड ओके एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग प्लीज नोटिस करेंगे द नंबर बी माइनस ए इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल्स ये जितने भी ऊपर इंटरवल्स हैं उनकी अगर लेंथ मांगी जाए आपसे तो उसे हम बी माइनस ए जिसको आप रेंज भी कह सकते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वन कॉमा फोर तो इसकी रेंज होगी थ्री लेंथ लेंथ ऑफ इंटरवल मानी जाएगी थ्री ओके ओपन इंटरवल में भी इसकी लेंथ थ्री मानी जाएगी सो so, ये था अबाउट इंटरवल्स देन केम्स पावर सेट अब देखिए पावर सेट क्या होता है इट इज अ सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट्स सो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए इज नोन एज पावर सेट और इसको हम पी ब्रैकेट ए से डिनोट करते हैं बेटा पी ब्रैकेट ए तो जो भी आपको सेट गिवन है उसके सभी सबसेट को अगर आप एक और करली ब्रैकेट में डाल दें तो वो पावर सेट बनता है फॉर एग्जाम्पल अगर ए सेट है वन कामा टू ए सेट है बेटा वन कामा टू तो इसका पावर सेट कैसे बनेगा इसके सभी सबसेट सभी सबसेट का मतलब है सबसे पहले आएगा फाइव फिर ओनली वन ओनली टू एंड देन वन टू तो ये चार इसके जो सबसेट हैं, इनको अगर आप करली ब्रैकेट में डाल दें तो ये पावर सेट बनेगा नाउ एनदर पॉइंट टू बी नोटेड हेयर इज अ फॉर्मूला जिससे आप नंबर ऑफ सबसेट्स काउंट कर सकते हैं आई रिपीट नंबर ऑफ सबसेट काउंट कर सकते हैं ऑफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स और वो फॉर्मूला होता है टू रेस्टू पार एन टू रेस्टू पार एन तो आप नोट कर सकते हैं इस एग्जाम्पल में आपके पास ए सेट में दो एलिमेंट्स थे तो इसके सबसेट बनेंगे टू का स्क्वायर दैट इज फोर टू का स्क्वायर दैट इज फोर तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओके नाउ ऑपरेशन ऑन सेट्स ऑपरेशन ऑन सेट्स में बेटा अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस हमें यूनियन और इंटरसेक्शन ही पढ़ना है सिर्फ यूनियन एंड इंटरसेक्शन सो ऑफ़ सेट एज द नेम से वी हैव टू यूनाइट ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एन बी तो उसे हम यूनियन बोलते हैं और सिम्बोलिकली आप बीच में यू लगाते हैं विच यूजली नोन एज ए यूनियन बी ये देखिए मैं इसका एग्जाम्पल करके दिखाता हूं एग्जाम्पल ट्वेल्व में आपको ए और बी सेट गिवन है आपको ए यूनियन बी चाहिए तो आपको ए और बी के सभी एलिमेंट्स को यूनाइट करके लिखना होगा और जो रिपीट हो रहा है एलिमेंट उसे एक बार लिखेंगे तो देखिए टू फोर ध्यान से देखिए सिक्स एट सिक्स एट दोनों में है तो एक ही बार लिखा जाएगा टेन ट्वेल्व तो ये यूनियन हो गया ए यूनियन बी का इसी तरह एग्जाम्पल थर्टीन में आप देखें आपको ए सेट गिवन है ऑल द वॉवल्स और बी में दो वॉवल्स हैं और एक कॉन्सोनेंट है तो अगर आप इसका यूनियन करते हैं बेटा तो इसमें सॉरी तीनों वॉवल्स हैं बी में भी सो ए ई आई ओ यू इनका यूनियन यही आएगा क्योंकि बी सेट में भी तीनों वॉवल्स हैं जो कि रिपीट नहीं होंगे तो सेम रहेंगे और ये आप देखेंगे ए के इक्वल है तो हमने शो कर दिया कि इसमें ए यूनियन बी ए के इक्वल है बेटा ए यूनियन बी ए के इक्वल है मैं इस एग्जाम्पल में एक नोट बताना चाहूंगा आपको नोट बताना चाहूंगा प्लीज सुनिएगा कि अगर बी इज अ सबसेट ऑफ ए अगर बी सबसेट ऑफ ए है तो इनका जो यूनियन होगा वो बड़ा वाला सेट आएगा दैट इज ए बड़ा वाला सेट आएगा दैट इज ए नाउ ये वेन डायग्राम बनाया हमने यूनियन की डेफिनेशन मीनिंग ये होता है बेटा डेफिनेशन मीनिंग कि x अज दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b तो यूनियन को हम इंग्लिश लैंग्वेज में और से डिनोट करते हैं और वेन डायग्राम में यूनियन का मतलब होता है कि a और b के सभी पार्ट को आप शेड कर दीजिए तो वो यूनियन बन जाता है बेटा यूनियन नाउ देर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन अगर आप ध्यान से देखें सो वेरी इंपॉर्टेंट पहली प्रॉपर्टी है कॉम्बूटेटिव लॉ दैट इज ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए सेकेंड इज एसोसिएटिव लॉ जिसमें ब्रैकेट शिफ्ट होती है बेटा ब्रैकेट शिफ्ट ओनली देन थर्ड इज लॉ ऑफ आइडेंटिटी मीन्स ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए किसी भी सेट का अगर आप नल सेट के साथ यूनियन करेंगे तो वापस ए सेट आ जाएगा तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी देन आई एन इम्पॉर्टेंट लॉ दिस सेज दैट दो सेम सेट का यूनियन करें तो वही सेट आ जाएगा ए यूनियन एक्वल टू ए एंड लॉ ऑफ़ यूनिवर्सल सेट यहाँ पे कैपिटल यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट सो यूनिवर्सल सेट का यूनियन अगर आप ए के साथ करते हैं तो यूनिवर्सल सेट आ जाता है सो दिस इज़ लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट नाउ सेकेंड थिंग जो हमें पढ़ना है सेकेंड ऑपरेशन दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इंटरसेक्शन एज द नेम सेज़ कि जहाँ पे दो सेट इंटरसेकट कर रहे हैं दैट मीन्स द कॉमन एलिमेंट्स ओनली द कामन एलिमेंट्स तो ए इंटरसेक्शन का जो सिंबल है वो उल्टा यू होता है और इंग्लिश लैंग्वेज में इसका मतलब होता है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी जैसे यूनियन को और बोलते हैं इसको एंड बोलते हैं बेटा ओके सो so, मैं एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल सेवेंटीन में आपको ए और बी सेट दिए गए हैं तो आपको ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब कि कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं सो लेट अस सी बी में टू है और ये देखिए ए में भी टू है बी में थ्री है देन ए में भी थ्री है बी में फाइव है ए में भी फाइव है और बी में सेवन है ए में भी सेवन है तो कॉमन एलिमेंट्स यही आएंगे टू थ्री फाइव सेवन जो कि बी सेट के इक्वल है नोटिस करेंगे आप बी सेट के इक्वल है तो मैं यहाँ पर भी एक नोट बताना चाहूँगा कि इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए दिस एम्प्लाइज कि इनका इंटरसेक्शन जो होगा वो बी के इक्वल होगा जो कि छोटा वाला सेट है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अगर बी ए का सबसेट है तो इनका इंटरसेक्शन छोटा वाला सेट होगा और जो इनका यूनियन है वो बड़ा वाला सेट होगा दैट इज ए याद रखिएगा ये एक्सट्रीम केसेस होते हैं एक्सट्रीम केस बोलते हैं बेटा इसको एक्सट्रीम केस ओके और इसका वेन डायग्राम देखेंगे आप ये तो डेफिनेशन मीनिंग था बेटा एंड से रिप्रेजेंट करते हैं और वेन डायग्राम में आप नोटिस करेंगे हमें सिर्फ कॉमन पार्ट लेना होता है बेटा ओनली द कॉमन पार्ट ओनली द कॉमन पार्ट नाउ देर इज अ स्पेशल नोट हेयर देर इज अ स्पेशल नोट विच ए एंड बी आर टू सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज फाइव अगर दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उन्हें हम डिसंट सेट्स बोलते हैं बेटा कोई भी अगर कॉमन नहीं है दो सेट के बीच में तो उसे हम डिस ज्वाइंट सेट बोलते हैं जो आपस में जुड़े नहीं हैं फॉर एग्जाम्पल अगर ए सेट में सारे इवन नंबर्स हैं देख रहे हैं आप टू फोर सिक्स एट और बी में वन थ्री फाइव सेवन सारे और नंबर्स हैं सो so हम कह सकते हैं कि ए एंड बी दे आर डिस ज्वाइंट सेट और इनका वेन डायग्राम इस तरह से बनता है जिसमें ए और बी ओवरलैप नहीं करेंगे ए और बी बेटा ओवरलैप नहीं करेंगे ना देर आर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स अगेन जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन पढ़ा था वैसी प्रॉपर्टीज ऑन इंटरसेक्शन है फर्स्ट इज अगेन कॉम्यूटेटिव लॉ ए इंटरसेक्शन बी को टू बी इंटरसेक्शन है देन एसोसिएटिव लॉ जिसमें ब्रैकेट शिफ्ट हो जाती है बेटा दैन लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल सेट तो ध्यान से देखिए इसे फाई का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ करेंगे तो फाई ही आएगा और अगर यूनिवर्सल सेट का ए के साथ करेंगे इंटरसेक्शन तो ए आएगा आई डे इंपॉर्टेंट लॉ दो सेम सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो सेम सेट आएगा एंड द लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में वो कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी सो ये दो ऑपरेशन हमने पढ़े यूनियन एंड इंटरसेक्शन और ये दोनों हमारे पार्ट ऑफ रिड्यूस सिलेबस हैं नाव प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मीन्स द वर्ड प्रॉब्लम्स सो वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन देखिए दो तरह की वर्ड प्रॉब्लम हमें पढ़नी है बेस्ड ऑन टू सेट्स एंड बेस्ड ऑन थ्री सेट्स सो बेस्ड ऑन टू सेट्स अगर मैं एक वेन डायग्राम लूँ प्लीज़ देखिएगा इधर सपोज दिस इज़ यूनिवर्सल सेट एंड वी हैव ए एंड बी सेट तो इसका फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर आप यूनियन का नंबर फाइन करना चाहते हैं दैट इज नंबर ऑफ ए मतलब आप ए सेट को पूरा लेंगे ए सेट देन नंबर ऑफ़ बी आप बी सेट को भी पूरा लेंगे लेकिन आप नोटिस करेंगे कि आपने कॉमन वाले पार्ट को दो बार काउंट कर लिया तो एक बार आप माइनस कर देंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आई रिपीट आप एक बार माइनस कर देंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नाउ सेकेंड जो है वो है अबाउट थ्री सेट्स यस वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन थ्री सेट्स अगेन अगर ये यूनिवर्सल सेट है और आपके पास ए बी और सी ए बी और सी आपके पास तीन सेट हैं बेटा तो यूनियन का नंबर अगर आपको चाहिए यूनियन का नंबर ध्यान से सुनिएगा तो आप पहले नंबर ऑफ ए लेंगे बेटा ए सेट पूरा लेंगे यस देन सिमिलरली नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ सी ऐड कर देंगे अब आप नोटिस करेंगे कि आपने ए इंटरसेक्शन बी को दो बार काउंट कर लिया तो एक बार आप माइनस कर देंगे सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी दो बार काउंट हो गया एक बार माइनस करेंगे और सी इंटरसेक्शन ए दो बार काउंट हो गया एक बार माइनस करेंगे अब जो सबसे सेंटर वाला रीजन है सबसे सेंटर वाला रीजन आपने बेटा तीन बार इनको पहले ऐड किया और तीन बार माइनस कर दिया तो एक बार भी नहीं आया तो सबसे सेंटर वाले रीजन को हम एक बार ऐड कर देंगे सबसे सेंटर वाले रीजन को हम एक बार ऐड कर देंगे तो ये दोनों को फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर द वर्ड प्रॉब्लम्स अब मैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम के एग्जाम्पल्स लेने जा रहा हूँ बेटा प्लीज लिसन एग्जाम्पल ट्वेंटी थ्री में इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज फिफ्टी एलिमेंट्स ये देखिए x यूनियन y में 50 एलिमेंट्स हैं आपके पास x हैज़ 28 एलिमेंट्स नंबर ऑफ़ x एलिमेंट्स 28 हैं एंड नंबर ऑफ y एलिमेंट्स 32 हैं y एलिमेंट्स 32 हैं सो हाउ मेनी एलिमेंट्स डू वी हैव इन x इंटरसेक्शन y तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे बेटा नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस इंटरसेक्शन आई रिपीट माइनस इंटरसेक्शन सो दैट मीन्स फिफ्टी इज इक्वल टू ट्वेंटी एट प्लस थर्टी टू माइनस हमें इंटरसेक्शन का नंबर चाहिए था सो so, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आप नोटिस करेंगे कि इंटरसेक्शन का जो नंबर आएगा दैट विल भी टेन दैट विल बी टेन नाउ एग्ज़म्पल ट्वेंटी फोर देखिए प्लीज़ इन ए स्कूल देर आर ट्वेंटी टीचर्स हुटिक्स और फिजिक्स बीच में और लिखा हुआ बेटा सो so, इसका मतलब मैथ्स यूनियन फिजिक्स आपको ट्वेंटी दिया गया है ऑफ दीज ट्वेल्व टीच मैथमेटिक्स सो इसमें से जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं वो ट्वेल्व है एंड फोर टीच बोथ बोथ का मतलब होता है बेटा इंटरसेक्शन सो मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स आपको फोर दिया हुआ है अब आपको फाइंड आउट करना है हाउ मेनी टीच फिजिक्स सो अगेन इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा यूनियन का सो मैथ्स यूनियन फिजिक्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मैथमेटिक्स प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स सो यूनियन इज ट्वेंटी इक्वल टू ट्वेल्व प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स माइनस फोर सो अगर आप सॉल्व करते हैं बेटा तो नंबर ऑफ फिजिक्स यहां पर आ जाएगा दैट विल बी ट्वेल्व दैट विल बी ट्वेल्व सो बहुत ही आसान है ज़्यादा मुश्किल नहीं है आप देख रहे हैं डायरेक्ट फॉर्मुला यूज़ कर रहे हैं हम लोग नाउ एग्जाम्पल ट्वेंटी फाइव इन एग्जाम्पल ट्वेंटी फाइव इन अ क्लास ऑफ थर्टी फाइव स्टूडेंट्स ट्वेंटी फोर लाइक टू प्ले क्रिकेट तो हमें क्रिकेट का नंबर दिया हुआ है ट्वेंटी फ़ोर एंड सिक्सटीन लाइक टू प्ले फुटबॉल फुटबॉल का नंबर दिया हुआ है बेटा हमें सिक्सटीन एंड ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स इस लाइन का ये मतलब है कि जो क्लास ऑफ थर्टी फाइव स्टूडेंट्स हैं वो क्रिकेट यूनियन फुटबॉल है आई रिपीट इन्होंने बोला कि क्लास में हर बच्चा कम से कम एक गेम जरूर खेलता है तो एटलीस्ट वन को लैंग्वेज में हम यूनियन बोलते यूनियन बोलते हैं बेटा सो यूनियन की वैल्यू हमें जो दी हुई है दैट इज़ थर्टी फाइव और हमें फाइंड आउट करना है कि बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल वाले स्टूडेंट्स दैट मीन्स हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है सो so अगेन हम यूनियन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। नंबर ऑफ क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ फुटबॉल माइनस नंबर ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल सो यूनियन है आपके पास थर्टी फाइव क्रिकेट इज़ ट्वेंटी फोर फुटबॉल इज सिक्सटीन एंड माइनस आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है बेटा सो इंटरसेक्शन ऑन सॉल्विंग हमारे पास आएगा बेटा फाइव ओनली फाइव सो दैट मीन्स देर आर ओनली फाइव स्टूडेंट्स

एंड वन फिफ्टी आर टेकिंग ऑरेंज जूस ऑरेंज जूस जो है वो बेटा वन फिफ्टी लेते हैं एंड सेवनटी फाइव आर टेकिंग एप्पल एज वेल एज ऑरेंज तो हमें एप्पल इंटरसेक्शन ऑरेंज सेवेंटी फाइव दिया हुआ है सो so, हमें फाइंड करना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस देखिए नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस का मतलब है कि हमें हमें जो फाइंड आउट करना है रिक्वायर्ड विल बी यूनिवर्सल सेट माइनस यूनियन आई रिपीट हमें पूरी सर्वे में से देखिए सर्वे का मतलब होता है चार सौ लोगों की सर्वे की गई अब उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो एप्पल और ऑरेंज और जूस दोनों ही नहीं लेते हमें वही बताने हैं तो हमें चार सौ में से माइनस करना है यूनियन का नंबर और यूनियन का नंबर होगा बेटा नंबर ऑफ एप्पल प्लस नंबर ऑफ ऑरेंज माइनस नंबर ऑफ एप्पल इंटरसेक्शन ऑरेंज और ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है तो एप्पल था हमारे पास हंड्रेड प्लस वन फिफ्टी माइनस सेवेंटी फाइव सो चार सौ में से आपको माइनस करना है एक सौ पचहत्तर वन सेवेंटी फाइव सो योर आंसर विल बी टू ट्वेंटी फाइव सो आंसर विल बी टू ट्वेंटी फाइव सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप देख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा देन एग्जाम्पल ट्वेंटी सेवन देखिए एग्जाम्पल ट्वेंटी सेवन देर आर टू हंड्रेड इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसडर वन ट्वेंटी हैज़ बीन एक्सपोज टू केमिकल सी वन सो नंबर ऑफ केमिकल सी वन इज वन ट्वेंटी फिफ्टी टू केमिकल सी टू तो केमिकल सी टू इज फिफ्टी देन थर्टी टू बोथ थर्टी जो है वो केमिकल सी वन और केमिकल सी टू दोनों को एक्सपोज हो रहा है ओके okay. नाओ जो हमें टू हंड्रेड दिया गया, गया बेटा यहाँ पे अगेन वो यूनिवर्सल सेट है 200 जो है यहाँ पे दिस इज यूनिवर्सल सेट क्योंकि 200 स्किन डिसऑर्डर के मरीज़ हैं ज़रूरी नहीं कि वो केमिकल सी वन और केमिकल सी टू से ही स्किन डिसऑर्डर हुआ हो उनको अब हमें तीन पार्ट्स कैलकुलेट करने हैं बेटा फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है सी वन बट नॉट सी टू हमें सी वन बट नॉट सी टू चाहिए तो अगर आप वेन डायग्राम देखें ध्यान से सुनिए वेन डायग्राम ये यूनिवर्सल सेट है दिस इज़ सपोज केमिकल सी वन दिस इज़ केमिकल सी टू अब गिवन डाटा अगर मैं इस पर रिप्रेजेंट करूं बेटा सो सबसे पहले इंटरसेक्शन वाले को मैं थर्टी लिख रहा हूं उसके बाद सी टू हमारे पास फिफ्टी है तो फिफ्टी कंप्लीट करने के लिए यहां ट्वेंटी आएगा और सी वन में वन ट्वेंटी है तो वन ट्वेंटी कम्प्लीट करने के लिए यहां नाइन्टी आएगा सो फर्स्ट पार्ट में आपको जो चाहिए सी वन बट नॉट सी टू मतलब आपको ओनली सी वन वाला पार्ट चाहिए विच इज़ नाइन्टी सेकेंड पार्ट में आपको चाहिए C2 टू बट नॉट सी वन ओनली सी टू वाला पार्ट चाहिए दैट इज ट्वेंटी और थर्ड पार्ट में आपको चाहिए और दैट इज यूनियन सो यूनियन के लिए आपको ये सारा पार्ट चाहिए होगा दैट इज नाइन्टी प्लस थर्टी प्लस ट्वेंटी दैट कम्स आउट टू बी वन फोर्टी सो आपने नोटिस किया बहुत इंटरेस्टिंग है इसको आप वेंट डायग्राम की हेल्प से भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपके सामने किया वेंट डायग्राम की हेल्प से आप इसे बिल्कुल कर सकते हैं नाउ आगे चलते हैं बेटा मिसलेनियस एग्जाम्पल्स पे मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल ट्वेंटी एट शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडिड टू स्पेल कैटरैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडिड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल तो देखिए ए सेट में ले रहा हूँ कैटरैक्ट के लेटर्स तो सी को एक बार लिया जाएगा ए को एक बार टी को एक बार और आर एक बार तो चार लेटर्स गए अब बी में ले रहा हूँ लेटर्स ऑफ ट्रैक्ट इसमें टी एक बार आर एक बार ए और सी तो आप नोटिस करेंगे दोनों सेट में सेम लेटर्स हैं सो ए इज इक्वल टू बी बहुत सिंपल क्वेश्चन था देन नेक्स्ट है लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट माइनस वन जीरो वन तो इसके सारे सबसेट्स अगर हमें चाहिए बेटा और तीन एलिमेंट्स हैं सबसे पहले हम फाइव लेंगे फिर हम एक एक एलिमेंट लेंगे ईच माइनस वन अकेला ज़ीरो अकेला वन अकेला अब हम दो दो एलिमेंट्स लेंगे बेटा माइनस वन विद देन जीरो विद वन एंड देन माइनस वन विद वन और अब हम तीनों एलिमेंट्स लेंगे बेटा माइनस वन जीरो और वन अब हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने सारे सबसेट बनाए या नहीं देखिए इसमें तीन एलिमेंट्स हैं तो टू रेस टू पर एन दैट इज टू का क्यूब एट होने चाहिए सो अब आप काउंट कर सकते हैं आपने जो सबसेट बनाए क्या वो एट हैं सो यस दे आर एट तो हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारा आंसर ठीक है देन एग्जाम्पल नंबर थर्टी एग्जाम्पल नंबर थर्टी में वो कह रहे हैं शो दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी अगर यूनियन और इंटरसेक्शन बराबर है तो उसका मतलब ए बी के बराबर होगा सो so, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ध्यान से देखिए मैं लेट कर रहा हूँ एक एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए सेट तो अगर ए ए सेट को बिलोंग करता है तो इसका ये मतलब है कि जो ए सेट है वो यूनियन को भी बिलोंग करेगा ऑब्वियसली और सिंस हमें यूनियन इंटरसेक्शन के इक्वल दिया हुआ है तो ए सेट इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा और अगर ये इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है और इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स ए और बी दोनों में होते हैं बेटा तो ये बी को भी बिलोंग करेगा तो इससे ये मतलब निकला कि जो ए सेट है वो सबसेट है बी का नाउ इसी तरह से अगर मैं रिवर्स ऑर्डर ले लूँ रिवर्स ऑर्डर ध्यान दीजिए अब मैं जो बी एलिमेंट है एक और एलिमेंट ले लेता हूँ दैट इज़ इक्वल बिलोंग्स टू बी अब क्योंकि ये बिलोंग्स टू बी है तो ये यूनियन को बिलोंग करेगा और क्योंकि यूनियन इंटरसेक्शन के इक्वल है तो इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा और क्योंकि ये इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है तो ये ए को भी बिलोंग करेगा सो दिस इंप्लाइज दैट कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए सो दे आर इक्वल सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था प्रूव दैट का क्वेश्चन था बेटा नाउ एग्जाम्पल थर्टी वन अगेन सिमिलर टाइप है हमें दो सेट ए और बी दिए हुए हैं और हमें शो करना है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी सो अगेन हम स्टेट कर, स्टार्ट करेंगे इसमें लेट कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखिए यहाँ पे मैंने कैपिटल एक्स क्यों लिया है क्योंकि पावर सेट में सबसेट्स होते हैं और सबसेट को आप कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे सो एम्प्लाइज एक्स इज़ अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अगर x इंटरसेक्शन b का सबसेट है सो so x इज़ अ सबसेट ऑफ a एंड x इज़ अ सबसेट ऑफ b दैट मींस x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a एंड x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b अब हम एंड को वापस इंटरसेक्शन में लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b सो so इससे ये इन्फ्रेंस निकलता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे बेटा इज़ अ सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड और अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में या तो डबल इम्प्लाइज यूज करिए या फिर पिछले एग्जाम्पल की तरह पूरे स्टेप्स आपको दोबारा लिस्ट आउट करने होंगे तो इससे ये मतलब होगा रिवर्सेबल अगर है तो राइट साइड इज़ अ सबसेट ऑफ लेफ्ट साइड और अगर ये दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हैं तो हैंस दे आर इक्वल हैंस वी कैन से दैट दे आर इक्वल तो ये प्रूव दैट के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं बेटा हमने पहले भी किए थे जब हम चैप्टर कर रहे थे नग्जाम्पल थर्टी टू अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ वन थाउजेंड कंज्यूमर्स इसमें आपको यूनिवर्सल सेट का नंबर दिया गया है वन थाउजेंड यस एंड रिपोर्टेड दैट सेवन ट्वेंटी कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट ए ए प्रोडक्ट जो लाइक like करते हैं वो सेवन ट्वेंटी है एंड फोर फिफ्टी लाइक प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट बी जो लाइक like करते हैं वो फोर फिफ्टी है वॉट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ प्रोडक्ट्स हमें लीस्ट नंबर निकालना है विच मस्ट हैव लाइक्ड बोथ प्रोडक्ट्स तो हम लोग क्या करेंगे प्लीज ध्यान से सुनिएगा ऑब्वियसली हमें मालूम है कि जो ए यूनियन बी होगा वो यूनिवर्सल सेट के लेस या इक्वल होगा तो हम लेट कर लेते हैं लेट कर लेते हैं कि ए यूनियन बी जो है वो वन थाउजेंड है मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूं बेटा सो इंप्लाइज अकॉर्डिंग टू फार्मूला वन थाउजेंड इक्वल टू सेवन ट्वेंटी प्लस फोर फिफ्टी माइनस इंटरसेक्शन सो इसको सॉल्व करके आपके पास जो इंटरसेक्शन आएगा दैट विल बी वन सेवेंटी सो देअर फोर यही हमारा लीस्ट नंबर होगा ऑफ कंज्यूमर हु विल लाइक बोथ द प्रोडक्ट्स सो लीस्ट नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा वन सेवेंटी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डाटा गिवन नाउ एग्ज़ाम्पल थर्टी थ्री में हमें आउट ऑफ फाइव हंड्रेड कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड फाइव हंड्रेड कार ओनर्स का इन्वेस्टिगेशन किया गया उसमें से कार ए जो है चार सौ लोगों के पास है और कार बी जो है वो दो सौ लोगों के पास है और जो दोनों कार्स हैं वो पचास लोगों के पास हैं तो इसका मतलब ये हुआ गिवन डाटा के हिसाब से अगर हम इनको यूनाइट करें बेटा यूनाइट करें तो 400 सौ प्लस दो सौ माइनस पचास सो ये मेरे पास जो आ रहे हैं कार ओनर्स वो 550 हैं जबकि हमने इन्वेस्टिगेशन सिर्फ 500 लोगों की की थी दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट सिर्फ 500 था सो so, इसका मतलब ये हुआ कि यूनियन यूनिवर्सल से एक्सीड कर रहा है सो so, स डाटा इज़ इनकरेक्ट आपको जो डाटा दिया गया है वो इनकरेक्ट है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि जो यूनिवर्सल का नंबर है यूनियन उससे एक्सीड कर जाए तो अगर यूनियन एक्सीड कर रहा है आपके नंबर ऑफ यूनिवर्सल के साथ तो दैट मीन्स इट इज़ इनकरेक्ट नाउ लास्ट एग्जाम्पल बट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल प्लीज़ सुनेंगे कॉलेज अवॉर्डेड थर्टी एट मेडल्स इन फुटबॉल देखते जाइए फुटबॉल में कॉलेज ने थर्टी एट मेडल्स दिए देन फिफ्टीन इन बास्केटबॉल बास्केटबॉल में फिफ्टीन दिए एंड ट्वेंटी इन क्रिकेट क्रिकेट में ट्वेंटी मेडल्स दिए इफ दीज मेडल्स वेंट्स टू फिफ्टी एट मैन इन ऑल मतलब इनका जो यूनियन है बेटा वो फिफ्टी एट है एंड थ्री मैन गॉट द मेडल इन ऑल द थ्री स्पोर्ट्स दैट मीन्स तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो सिर्फ थ्री है देन हाउ मेनी रिसीव मेडल्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स अब इस क्वेश्चन में हमें डाटा बहुत कम दिया गया है तो हम इसमें फार्मूला भी यूज करेंगे एंड वेन डायग्राम भी पहले मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं बेटा सो एफ यूनियन बी यूनियन सी इसका फार्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ एफ प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी फिर इसमें से माइनस किया जाता है पेयर वाइज यू नो एफ इंटरसेक्शन बी देन बी इंटरसेक्शन सी देन एफ इंटरसेक्शन सी और फिर इसमें एड किया जाता है एक बार तीनों का इंटरसेक्शन सो so अगर हम सारा डाटा इसमें एंटर करें बेटा सो फिफ्टी एट इज इक्वल टू थर्टी एट प्लस फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी माइनस पेयर वाइज इंटरसेक्शन हमें गिवन नहीं है बेटा तो मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ और तीनों का इंटरसेक्शन हमें गिवन है प्लस थ्री सो दैट मीन्स ऑन सॉल्विंग आपके पास जो वैल्यू आएगी पेयर वाइज इंटरसेक्शन के सम की दैट विल बी सॉल्व करने पे बेटा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ आपके पास वैल्यू आएगी 18, 18. बट दिस इज़ नॉट माई आंसर दिस इज़ नॉट माई आंसर ये देखिए मैं एक वेन डायग्राम बना रहा हूँ प्लीज़ देखिएगा सपोज़ ये फुटबॉल ये बास्केटबॉल और ये क्रिकेट है फुटबॉल बास्केटबॉल एंड क्रिकेट एंड सपोज हमारे पास यहाँ सेंटर मोस्ट ए दिया हुआ है दिस इज बी दिस इज सी दिस इज डी सो ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी यहाँ पे डायग्राम में देखिए एफ इंटरसेक्शन बी जो है दैट इज ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी यहां पर देखेंगे अगर तो वो है ए प्लस डी ध्यान दीजिए ए प्लस डी ये वाला पार्ट देन एफ इंटरसेक्शन सी एफ इंटरसेक्शन सेक्शन सी होगा ए प्लस सी ए प्लस सी ये हमें एटीन दिया हुआ है और जो सेंटर मोस्ट पार्ट है बेटा ए उसकी वैल्यू थ्री है सेंटर मोस्ट पार्ट जो ए है उसकी वैल्यू थ्री है इसका मतलब बी प्लस डी प्लस सी अगर हम चाहें तो एटीन में से माइनस करना होगा आपको थ्री इंटू थ्री तीन बार ए जो कि नाइन आएगा और हमें यही आंसर चाहिए था यही आंसर चाहिए था क्योंकि एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स का मतलब है आपको ये बी वाला पोर्शन लेना था देन सी वाला पोर्शन एंड डी वाला पोर्शन ये जो पेटल्स होती हैं, बीच वाले फ्लार की पेटल्स ये आपकी एग्जैक्टली exactly टू वाला पोर्शन होता है एग्जैक्टली exactly टू वाला पोर्शन तो ये एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट था पूरे चैप्टर का सो so, ये चैप्टर हमने